हेलो फ्रेंड्स, नेहा'स कुक हाउस में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे लच्छा पराठा। इसे बनाने के लिए मैं आपको तीन तरीके बताऊंगी। आपको जो तरीका इजी लगे आप इन्हें उस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। पानी जरूरत के हिसाब से, गेहूं का आटा 1 कप, मैदा 1 कप, तेल पराठे पकाने के लिए, दूध 1/2 कप, नमक स्वाद अनुसार, घी 1 छोटा चम्मच, कटा हुआ हरा धनिया 1/4 कप। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले एक बाउल में 1 कप आटा और 1 कप मैदा डाल दें। अब दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें नमक और 1 चम्मच घी डाल दें। अब फिर से इसे मिक्स कर लें जिससे घी और नमक आटे में अच्छे से मिल जाएं। अब इसमें 1/2 कप दूध डाल दें। दूध पराठे को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करेगा। और आटे में मिलाकर गूंथना शुरू कर लें। अब आटे में धीरे धीरे करके पानी मिलाएं और आटे को सॉफ्ट होने तक गूंथ लें। जब आटा अच्छे से गूंथ जाए तो इसे ढक दें और इसे 15 मिनट के लिए रख दें ताकि ये और स्मूथ हो जाए। 15 मिनट बाद फिर से आटे को थोड़ा सा गूंथ लें। आप देख सकते हैं आटा पहले से स्मूथ हो गया है। चलिए अब पराठा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले इस साइज के आटे के गोले बना लें। अब इस गोले को सूखे आटे में लपेट कर 6 से 7 इंच की रोटी के साइज में बेल लें। बेलने के बाद रोटी पर घी लगा लें और अच्छे से घी को फैला लें। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क लें। तो चलिए अब देखते हैं लच्छा पराठा बनाने का पहला तरीका। इसके लिए सबसे पहले रोटी को फैन की तरह फोल्ड कर लें, फिर उसे घुमाकर ट्विस्ट कर लें और अब इस तरह गोल करके लपेट लें। अब इस पर थोड़ा धनिया लगा दें और फिर इसे सूखे आटे में लपेट कर 6 से 7 इंच की गोलाई में बेल लें। अब देखते हैं इसका दूसरा तरीका। इसके लिए पहले की तरह आटे को बेल लें और उस पर घी लगा लें। अब उस पर थोड़ा सा सूखा आटा और धनिया डाल दें। अब चाकू से इस तरह कट लगाएं और उसे इस तरीके से रोल कर लें। अब इसे ऐसे दबाकर थोड़ा सा धनिया लगाकर फिर से उसे बेल लें। तो चलिए अब देखते हैं तीसरा तरीका। इसके लिए भी आटे को पहले की तरह रोटी में बेल लें और फिर आधी रोटी पर घी लगा लें। अब इसे बीच में से 1/2 काट लें और फोल्ड कर लें। अब फिर से थोड़ा सा घी लगाएं और इसे बीच में से काट कर फोल्ड कर लें। इसी तरह एक बार और रिपीट करें। अब इसे इस तरह लंबाई में खींच लें, ट्विस्ट करके इस तरह गोल करें। अब इसमें थोड़ा सा धनिया लगाकर और फिर बेल लें। अब सभी पराठे बेल लिए हैं तो चलिए इन्हें पकाते हैं। इसके लिए तवे को मीडियम हाई हीट पर अच्छे से गर्म कर लें। जब ये गर्म हो जाए तो पराठे को तवे पर डाल दें। लगभग 20 सेकंड बाद जब पराठे का कलर थोड़ा चेंज हो जाए तो इसे पलट दें। अब पराठे के इस साइड पर तेल लगा दें और अच्छे से तेल को पराठे पर फैला दें। अब पराठे को दोबारा पलट दें और इस साइड भी अच्छे से तेल लगा दें। अब पराठे को दबाकर लगभग 1.5 से 2 मिनट तक दोनों साइड से पका लें। जब पराठे पर अच्छे से लाइट ब्राउन स्पॉट आ जाएं, इसका मतलब पराठा अच्छे से पक चुका है। तो अब पराठे को प्लेट में निकाल लें
पराठे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और सॉफ्ट और लेयर्ड भी बने हैं। आप इन्हें बटर, अचार, दही और आलू की सब्जी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मेरा रेसिपी वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और रेसिपी ट्राई करनी है तो ऊपर वाले पिक्चर पर क्लिक करें।